पूरा देश आज रामलला की जश्न की जश्न मना रहा है, और पूरा जश्न जो है वो भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। बात करें राजस्थान की, राजस्थान में भी तमाम जो मंदिर हैं उनमें रामलला के राम प्रतिष्ठा के उपलक्ष में भव्य जश्न की तैयारी की गई है, और जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। लेकिन एक ऐसा जगह मैं बताऊँगा जहाँ पर रामलला के दर्शन और रामलला को लेकर जो भी क्रियाकलाप है, जो भी एक्टिविटीज है, वो यहाँ पे घर से दूर रहकर पूरी की गई हैं। हाल फिलहाल हम खड़े हैं राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के सामने, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, हजारों तादाद में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आई हुई यहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, जो अपनी अपनी मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन संजय शर्मा से आग्रह करूँगा कि दिखाएँ कि वो किस प्रकार से यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, वो लगातार अनुरोध जारी है, और यहाँ पे तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे अपने लेवल पे, यानी ये धरनार्थियों के लेवल पे ही स्तर पे यहाँ पे ली गई हैं, की गई हैं। यहाँ पे अपने खर्चे पे यहाँ पे खाना पीने की इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा सर्दी ज़्यादा है, इसके बावजूद इसके जो टेंट से रजाई गद्दे मंगवाए गए हैं। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार ये 500 दिन है, आज ठंड ज़्यादा है। कल्पना जी, पहले बात आपके पास आना चाहूँगा, किस प्रकार देखती हैं, क्योंकि आज आपने यहाँ पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है पूरे देश में, जहाँ पे पूरा देश जश्न मना रहा, आप यहाँ पे घर से दूर रहकर भी जश्न भी मनाए और अपना कर्म भी कर रही हैं। बिल्कुल सर, हम लोग आज पूरा देश जब त्यौहार के रूप में मना रहे हैं, तो हमने भी सिफू को, हम इसको मंदिर मानते हैं, ये हमारी नहीं सुनता लेकिन हम इसको सुनाएंगे अपनी, और मंदिर मानते हैं। जैसे कि हम सब आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, जो चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, लेकिन हम सनातन को फॉलो करते हैं, और आज हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। मोदी सरकार त्यौहार मना रही है, भजन लाल सरकार त्यौहार मना रही है, हमने भी त्यौहार, चाहे हम घर से दूर हों लेकिन हम ये त्यौहार मनाएंगे, और भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी मनोकामना पूरी करे, जल्दी से जल्दी करे, और भजन लाल सरकार से भी हमारा नम्र निवेदन है कि वो हमारी जल्द से जल्द मांग पूरी करे, नियुक्ति दे, क्योंकि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी नियुक्ति मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हमने पढ़ाई लिखाई की है, हम 25-25 साल के हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे, बच्चों के बाप हैं, बच्चों की माएँ बैठी हैं यहाँ पे, तो उन लोगों, वो लोग भी आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए आप हमारी ये मांग मीडिया के कर्मियों के माध्यम से आप सरकार तक पहुँचाइए, जनता तक पहुँचाइए, ताकि हमारी मांग पूरी हो सके। और हम लोग यहाँ कोई नेतागिरी करने नहीं आए, आप जैसा कि आप सुबह से देख रहे हो, हमने कैलाश यात्रा भी पूरी की है, अपने बहुत डिसिप्लिन के साथ में की है, आप कवरेज कर रहे हो, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी बात जनता तक पहुँचा रहे हो, सरकार तक पहुँचा रहे हो। आप जैसा कि आप देख रहे हो, किसी प्रकार का कोई भी अभी तक कोई अवांछनीय तत्व है कि आपको नजर नहीं आया, हम बहुत डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, और हमारे भाई वो लोग हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर प्रशासन का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, कोई भी एक पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है, नहीं है ना, आपको, आप खुद कवरेज कर रहे हो, और मैं जो नगरी न्यूज है उसको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि वो बिना किसी डर के निडर होकर हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचा रही है, सरकार तक पहुँचा रही है, भजला सरकार तक पहुँचा रही है, और वो उन पर हजार दबाव होने के बावजूद भी हमारी जनता तक पहुंचा रही है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें नियुक्ति दीजिए, हम मजबूर बैठे हैं, ना तो हमें चौधर करनी है, ना राजनीति करनी है, ना हाईलाइट होने आए, मीडिया में हाईलाइट होने का किसी को ना शौक नहीं है यहाँ पे। अगर मीडिया में हाईलाइट होना, नेतागिरी करनी हो तो बहुत बैकग्राउंड पड़ा है पीछे, कर सकते हैं ना, लेकिन हमें नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए। हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर हमारी आर्थिक जरूरतें भी पूरी नहीं होती। मैं इस घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो मैं उन जिम्मेदारियों को लेकर रात दिन टेंशन में रहती हूँ कि हाँ, मैं अपने आने वाले बच्चों को कैसे, मैं अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर सकती। तो आपसे बहुत बहुत तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी आवाज़ जनता तक, सरकार तक, भजनलाल सरकार तक, मोदी सरकार तक पहुँचाइए। जैसा कि आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि बड़े से आज तक एबीपी न्यूज जैसे बड़े बड़े चैनल हैं, और ये मुद्दा भी बड़ा है, छोटा बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन कोई भी चैनल आकर यहाँ पर इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है, सिर्फ एक आपका चैनल ही इस मुद्दे को उठा रहा है। इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, नम्र निवेदन, आप इस बात को जनता तक पहुँचाइए। देखिए, कल्पना है जो अपने उद्बोधन में और जो इंटरव्यू है उनमें साफ कर दिया है कि हम कोई हाईलाइट नहीं होने आए, मीडिया के सामने कोई नेतागिरी नहीं करने आए, लेकिन हम केवल और केवल अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हैं, जो सरकार तक को सुननी चाहिए। हाल फिलहाल सरकार को 5 दिन हो गए हैं, इनको यहाँ बैठे हुए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है, ना ही कोई नुमाइंदा है सरकार का यहाँ पहुँचा है इनसे सरकार में बात करने का। हालांकि ये सूचना है कि सूत्रों के अनुसार कि कल डिप्टी सीएम जो दिया कुमारी वो यहाँ पहुँच सकती हैं, लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं। हाल फिलहाल की बात करें तो जैसे जैसे शाम बढ़ रही है इनकी टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि ठंड ज़्यादा है, और उत्तरी भारत में राजस्थान की ठंड जो है वो कहीं ना कहीं कमकमा देने वाली होती है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं, एक महिला अभ्यर्थी और भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैडम, किस प्रकार देखते हैं कि आज आपने कलश यात्रा भी निकाली, एक सद्बुद्धि, सरकार की सद्बुद्धि को लेकर एक यज्ञ भी किया,
सरकार को 5 दिन हो गए आपको देखते हुए, सरकार आपकी तरफ से मस्त नहीं हो रही, ना आपकी तरफ से कोई पहल हुई है, किस वक्त देखते हैं पूरे मामले को? हम यही कहना चाहते हैं बीजेपी सरकार से कि हमारी बात को सुनो, इसीलिए आज हमने लोग अपने घरों में दिवाली मनाने अयोध्या में लोग गए हुए हैं, जनता गई हुई है, तो हम यही चाहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर कलश यात्रा भी की, हवन भी किया, हम सीएम साहब से यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरी करो, हमें नियुक्ति दो। 5 दिन से हम ठंड में यहाँ पे बैठे हैं, ना तो खाना पीना की व्यवस्था भी हम खुद ही कर रहे हैं, हमारे पास विधानसभा का कोई भी लोग नहीं आए यहाँ पे, तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दो, सबको हमारे भाई साथ दे रहे हैं सिर्फ हमारा। ठीक है, आपका ये मोटिव है, उनका ओपिनियन है कि अब सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, क्योंकि रामराज की सरकार है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, पूरा देश जहाँ पे जश्न के जश्न मना रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, लेकिन वहीं ये हजारों जो बाशिंदे हैं, हजारों व्यक्ति हैं प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए, वो यहाँ पर घर से दूर रहकर भी यहाँ पे अपना जश्न मनाया है। पहले देखा आपने सद्बुद्धि यह किया, एक नन्ही मुनी बच्ची है, लेकिन इसके हाथों में पताका है, जय श्री राम के नारे लिखे हुए यहाँ पे पताका है, तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि इनका जो मोटिव है वो केवल और केवल शांतिपूर्ण धरने का है, अपनी मांग को मनवाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। लगातार द नगरी मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं जो भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन है, हम कुछ लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, हमारे साथ कुछ और भी महिला जुड़ चुकी हैं। मैडम क्या नाम है आपका, कहाँ से पहुँचे? मेरा नाम नेहा असवाल है सर, मैं जयपुर से ही हूँ। नेहा, देखिए 5वां दिन है आज, पूरा देश जहाँ पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के जश्न में डूबा हुआ है, जयपुर में भी भव्य आयोजन किया गया, तमाम जो मंदिर सजाए गए हैं, लेकिन आपने भी यहाँ पे कलश यात्रा निकाली, सद्बुद्धि यह किया और यहाँ पे राम दरबार सजाया गया है बाकायदा, किस बार देखते हैं सरकार आपकी बातों को अब मानेगी या नहीं? सर अगर सरकार को हमारे पे अब भी तरस आएगा तो सरकार हमारी जरूर सुनेगी, क्योंकि सर इतने दिनों से तो हम लोग धरने पर बैठे हैं, जब से तो सरकार ने कोई अभी तक कोई सुध नहीं लिया, ना कोई अभी हमसे मिला है, क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं कि ठीक है चल रहा है जैसे चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, हम लोग अनशन पे बैठे हैं जब से, लेकिन सर सरकार भी कभी ना कभी तो सुध लेगी, इतने दिनों से बैठे सोचेगी सरकार भी हमारे लिए, कि इतने दिनों से बच्चे बैठे हैं तो कुछ तो सोचेगी सरकार हमारे लिए भी। क्या लगता है कि हाल फिलहाल 5 दिन हो गए आपको, ठंड ज़्यादा है, इसके बावजूद सरकार का ना तो कोई नुमाइंदा आया है और ना ही कोई ऐसी पहल सरकार द्वारा की गई है जिससे कि आपको कहीं उम्मीद जगे, क्या आपके दिलों में आज भी उम्मीद है सरकार के प्रति? सर बिल्कुल उम्मीद है, सरकार कुछ तो सोचेगी हमारे लिए, इतने दिनों से बैठे उनके मन में भी कुछ चल ही रहा होगा, कुछ तो सोच ही रही होगी सर, कुछ तो करेगी सरकार हमारे लिए भी। देखिए नेहा है जिन्होंने साफ कर दिया है कि अब सरकार से उम्मीद जगी है, आज रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा हुए उसका आयोजन भी यहाँ पे किया गया है, जो इनसे बन पड़ा वो इन्होंने आयोजन किया, कलश यात्रा निकाली, राम दरबार सजाया गया और सद्बुद्धि यह सरकार के लिए किया गया। एक महिला और जुड़ चुकी हैं अभ्यर्थी, मैडम क्या नाम आपका? उषा। उषा जी देखिए लगातार आप 5 दिन से बैठे हैं, ठंड ज़्यादा है, आज आपने तमाम जो रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको लेकर भी यहाँ पे आयोजन किया गया, राम दरबार सजाया गया बाकायदा, सद्बुद्धि यज्ञ किया गया सरकार को लेकर और कलश यात्रा भी निकाली गई, क्या लगता है कि अब सरकार को कहीं झुकना चाहिए, मानना चाहिए? हाँ बिल्कुल मानना चाहिए, देखो ये राम युग लाए हैं तो उनका मेन मकसद यही है कि जो वचन दिया है उसको पूरा करना है, चाहे सरकार कोई सी भी आए पर उसका मेन मोटिव यही रहता है कि जनता का हित, युवा का हित, महिलाओं का हित, जब ये नौकरी देंगे तभी तो परिवार में सब कुछ आगे बढ़ेगा, पर इस तरह से ये महिलाओं को तो रोड पे लिया है, वो कैसे सपोर्ट करेगी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सब महिलाओं को भी कमाना है, पुरुष को भी कमाना है, जब वो महिलाओं को नौकरी देगी तभी तो वो उनके सपोर्टर बनेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा तो जनसंख्या ही है, जब स्वास्थ्य कर्मी को लेंगे तभी तो वो उनको शिक्षित करेगी ना, इस तरह से मतलब जो राम युग लाए हैं उसको बस वो राजनीति के दम पे ही लाए हैं, उस पे पालन नहीं कर रहे, जो वादा करना है जो पूरा करना है वो अच्छे से करे ना वो सरकार, चाहे अशोक गहलोत हो या भजन लाल हो, पर मेन मोटिव तो राजनीति का यही होता है, युवाओं को नौकरी देना, महिलाओं की सुरक्षा करना, पर ये सब तो हो ही नहीं रहा, सब परेशान हो रहे हैं, रोड पे बिठा दिया तो फिर इससे ज़्यादा क्या चाहिए। एक सवाल आपसे ये भी है कि जब विपक्ष में बीजेपी थी तो उन्होंने महिलाओं को मुद्दा बनाया था, युवाओं को मुद्दा बनाया था, लेकिन आज दोनों वर्ग जो विशेष थे वही सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, हाल फिलहाल आप बैठे हो, आप एक महिला हो और युवा भी आपके साथ मौजूद है, किस प्रकार देखती है कि उस समय और इस समय में कितना, क्योंकि आप सत्ता में हैं, उस समय मतलब योजनाएं तो सब अच्छी थी, बट जो अशोक गहलोत लास्ट में ये राजनीति खेल के गया ना वो बहुत गंदी, वो ये युवाओं के भविष्य से खेल गया, वो उस पर बसता हुआ है, इसलिए वो हटे, इसलिए बीजेपी सरकार को मौका दिया गया है कि ये कुछ करे, पर हम ये भी हमारे मुद्दों पर, ये बहुत
स्लो तरीके से काम कर रही है, तो इस तरह से नहीं चाहिए। जब सारा 95% काम हो चुका है तो नियुक्ति देने में क्या है। उनको ये भी नहीं करना चाहिए, जब वैकेंसी आई थी जब ही कैंसिल कर देना चाहिए, वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहिए। इस तरह से युवाओं को पागल बना रहे हैं। तो बच्चे इतना मतलब 18 साल सब ऊपर है, एजुकेटेड है, तो ये सब जानते हैं भाई क्या करना है क्या नहीं करना। इनके आगे रास्ते ढूंढते जाएंगे पर ये नियुक्ति लेके रहेंगे। यहाँ से टस से मस नहीं होंगे, नियुक्ति लेकर ही यहाँ पे जाएंगे। एक अभ्यर्थी और भी जुड़ी, क्या नाम आपका? माया बेरवा है मेरा नाम, और मैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। तो मैं तुम्हारी जो आर्ट केंद्र की जो भर्ती है तो उनकी सभी की मतलब नियुक्ति चाहिए। जो बाहर में फार्मेसिस्ट भाई है उनकी भी प्रोविजन लिस्ट चाहिए। जो मेरी जो सबकी प्रोविजन लिस्ट निकल चुकी है तो उन सबको फाइनल लिस्ट निकाल के उनको नियुक्ति दी जाए। यही हमारी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से कि हम सबको नियुक्ति दे। बस यही मेरा कहना है सरकार से कि वो सबसे जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति दे। ठंड ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, अपने यहाँ पर खर्चे भी हैं, अपने लेवल पे सारा जो इंतजाम है वो किए गए हैं, टेंटों से रजाई गद्दे मंगाए गए हैं, रोजाना किराया लग रहा है, खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे अपने लेवल पे की गई है। कितना मेहनत कर पाएंगे, क्योंकि सरकार तो अगले महीने भर तक नहीं चलती, तो क्या होगा? तो जब तक नियुक्ति नहीं देगी सरकार तब तक हम यहीं रहेंगे, या महीना लगे या 15 दिन लगे, कितने भी दिन लगे, पर यहीं रहेंगे जब तक नियुक्ति नहीं देंगे हमें। ये महिला अभ्यर्थी हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगी। पुरुष अभ्यर्थी मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम है रामकिशोर गुर्जर, मैं नागौर से बिलोंग करता हूँ। और मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि गंदी राजनीति नहीं करे। जब कांग्रेस सरकार ने 2022 में ये वैकेंसी निकाली और कांग्रेस सरकार ने इस वैकेंसी को लेते लेते चुनाव तक ले गई, और उन्होंने प्रोविजनल लिस्ट निकाल के नियुक्ति को रोक दिया, क्योंकि उनकी मंशा ये थी कि हम जीत के नियुक्ति दें। उनके नीत में खोटाई थी, वो करना नहीं चाह रही थी, नहीं तो चाहती तो 90% काम भर्ती का कंप्लीट है, केवल ज्वाइनिंग को ले जाके रोक दिया। और बीजेपी सरकार विपक्ष में बैठ के ये बोल रही थी कि भाई हम सुशासन करेंगे, कांग्रेस कुशासन कर रही है, हम सुशासन करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। तो आज महिलाएं रोड पे बैठी है और सभी भाई रोड पे बैठे हैं, और 7,000 में सब हम नौकरी करें, कैसे घर चलाएं, क्या करें, कैसे खर्चा चलाएं घर का। हम आज 10-10 साल हो गए हमें 7,000 में नौकरी करते हुए, और हम पिछले 3 साल से रोडों पे घूम रहे हैं। पहले कांग्रेस के साथ घूम रहे थे, अब बीजेपी के साथ घूम रहे, और आज हमारा 5वां-6वां दिन है धरने का, अभी तक कोई हमारा एक डेलीगेशन के लिए नहीं बुलाया हमें। तो ये सरकार, अब कोई भगवान राम ही उनमें बुद्धि दे दे, हमने आज यज्ञ कर दिया है, और भगवान राम उनमें बुद्धि दे दे भजन लाल जी को कि इन बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, इस कड़ाके की सर्दी में एक दिन बाहर सो के देखो क्या हालत हो जाती है। तो हम तो ये चाहते हैं, हमारी और आपसे शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारा मैसेज आगे तक न्यूज़ पहुंचाएं, और बड़े बड़े न्यूज़ वाले बिके हुए होंगे जो यहाँ नहीं आ रहे हैं। नहीं तो यदि ये धरना आज 5 दिन से चल रहा है, सब न्यूज़ चैनल वालों आके हमारी मांग तो सुननी चाहिए। हम हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि हम कुछ गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। हमारे को गवर्नमेंट ने 7,000 में कोरोना में हमारे फूल बरसाए, और आज हम रोडों पे बैठे हैं। हमने कोरोना में काम किया था, उस टाइम भी हमारी 7,000 सैलरी थी। तो हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बात आगे तक पहुंचाओ। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए साहब, कहा है कि जब कोविड काल था, पूरा देश त्राइमम त्राइमम था, पूरा देश में जब हाहाकार मचा हुआ था, तब ये कोविड के टाइम पे भी इन्होंने सेवाएं दी हैं। और साफ साफ एक आरोप ये भी है कि जब कोविड में साथ दिया तब हमसे फूल बरसाए गए थे, लेकिन आज वो फूलों को पांव तले रोंदा जा रहा है, या यूँ कहें कि उनकी जगह आज इनको धक्के खाने में मजबूर होना पड़ रहा है, धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, कड़ाके की ठंड में सर्दी में सोने में मजबूर होना पड़ रहा है, ऐसा कुछ अभ्यर्थियों का कहना है। अभ्यर्थी और भी मौजूद हैं, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम प्रदीप तिवाड़ी है, मैं बीकानेर से हूँ। मैं सर स्पेशली इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमने सर अपने जो विधायक हैं सुमित गोदरा जी, उनको भी ज्ञापन दिया है और कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन दिया है, लेकिन उन्होंने कोई मतलब भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की। शुरुआत में जब भर्ती आई उसके बाद में यह बोला गया कि भाई आपका काम चल रहा है, आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। विभाग है वो एकदम ढीला डाला रवैया रखा है हमेशा ही, और स्वास्थ्य विभाग ही हम कई बार गए हैं, सुरेश जी नवल से हमने बात की, लेकिन वो ये बात बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग आपको देंगे, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। लगातार वो मिट्टियाँ गोलियाँ दे रहे हैं, अब कई टाइम हो गए, उसके बाद नई सरकार बन गई, अब हम उससे यही आग्रह करते हैं कि हमें ज्वाइनिंग दें। क्या लगता है कि अब सरकार जो है रामराज की सरकार है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, कल से विधानसभा शुरू है, कि लगता है कि विधानसभा में आपका मुद्दा उछलेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल विधानसभा में मुझे गूंजेगा, क्योंकि हमने सुमित गोदारा को एक बार बोला है, आज हम फिर जाएंगे उनके पास, अब वो सही तक कल तक उनका आवास आवंटन हो जाएगा, तो एक बार हम अपने उनको बोलेंगे भाई विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, वो वोट लेने के लिए हमारे घर पे आए हैं। उनको हमने पहले भी बताया था कि मतलब हमारी जो वैकेंसी है वो इस कदर है, तो उन्होंने बोला कि आप हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, हम आपकी भर्ती को पूरी करेंगे। अब हम उनके पास जाएंगे कल, और एक बार बताएंगे उनके कि वो बात आगे विधानसभा में प्रस्तुत करें।
एक सवाल आपसे ये भी था कि ठंड ज़्यादा है, 8 दिन 5 दिन आपको हो गए हैं, खाने खर्चे की दिक्कत आ रही है, सोने उठने की दिक्कत आ रही है सर, लगातार दिक्कत आ रही है। सुबह सर इतनी सर्दी पड़ रही है, नहाने के लिए कोई इतनी व्यवस्था नहीं है, खाने पीने के लिए इतनी व्यवस्था नहीं है, घर से सर पैसे मंगवा मंगवा के यहाँ पे कर रहे हैं सर। हम इसलिए चाहते हैं कि घर के ऊपर बोझ नहीं बने, लेकिन सर अब इतने हो गए कि हम ज़्यादा ही बोझ बन गए कुछ इनके, क्योंकि सर हमारा नाम भी आ चुका है लेकिन हमें अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तमाम जो व्यर्थी हैं अब यहाँ पे उम्मीद बनाए बैठे हैं, लेकिन इनके चेहरों पे हुआ जो निराशा है, इनके साथ जो छलावा हुआ, इनका साफ साफ कहना कि पहले कांग्रेस ने हमको छला और उसके बाद में जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने भी हमको धोखा दिया है, दगा दिया है। ऐसे में अब जब तमाम जो व्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, राम राज्य की सरकार से मांग कर रहे हैं, रामलला जो है यहाँ पे जो मंदिर सजाया गया उनसे सद्बुद्धि यह किया गया है, उनके द्वारा एक संकेत दिया गया है, इन्होंने साफ साफ भगवान श्री राम से प्रार्थना की है कि भगवान श्री राम वर्तमान जो बीजेपी सरकार है राजस्थान में अब इनको कहीं ना कहीं सद्बुद्धि देने का काम करें, जिससे कि इनकी जो भर्ती अटकी हुई हैं, जो नियुक्तियाँ अटकी हुई हैं उनको जल्दी पूरा किया जाए। सहयोगी संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, नगरी मीडिया, जयपुर।